जब मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो इसको एंजॉय करने का सबसे जो मज़ेदार तरीका है वो यही है कि या तो आप बारबेक्यू कर लें या फिर इस तरह से कोई भी फ्राइड चीज़ जो है बनाएं और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर मैंने जो है चिकन लिया है 2 kg, तो ये बोनलेस चिकन नहीं है, इसमें हड्डियाँ भी हैं, मिक्स है। तो मैंने इसको अच्छे से जो है वॉश कर लिया है और देन जो है अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने लगी हूँ। तो इसको मैंने एक बाउल में पहले ट्रांसफ़र किया, उसमें मैंने 2 tablespoons भर के कुटा हुआ अदरक ऐड कर दिया है और कुटा हुआ लहसुन जो है ये भी तकरीबन 2 tablespoons है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो अदरक को मैंने बहुत मोटा सा जो है वो कुटा है ताकि जब हम इसको बारबेक्यू बनाएं तो बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से चंक्स जो हैं ये मुँह में आएँ। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने कूट लिया था, ये इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला ले रही हूँ, ये पूरा पैकेट मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो कोई सा भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, बट मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है एंड मैं ये अब इसमें ऐड कर दिया है सारे का सारा। तो आप चाहें तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐड करें, बस इससे यह है कि अच्छी खुशबू आ जाती है और आपको फटाफट से जो है ये आपका सारा कुछ रेडी हो जाता है मैरिनेशन के लिए। अगर टाइम बहुत कम हो तो फिर आप इस तरह से ये मसाला ऐड करके तो फटाफट से ये बारबेक्यू का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 tablespoons लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप यहाँ पे तिक्का मसाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुटी हुई लाल मिर्चों की और लाल मिर्चों के पाउडर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और फिर सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर सकते हैं और ज़ीरा जो है उसको भून कर इसमें ऐड कर सकते हैं तकरीबन 1 tablespoon, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो मसाला होता है ये इसमें ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी जो है वो पहले मौजूद होता है, इसलिए मैं इसमें मज़ीद जो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा वाले ऐड नहीं कर रही हूँ। 2 से 3 tablespoons इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, इससे ये होता है कि आपको बाद में कुकिंग के दौरान जो है ऑयल ऊपर वो स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज हम ऑयल फ्री जो है बारबेक्यू करने वाले हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं ऑयल की, बट मैं नहीं करूँगी इसलिए मैंने बीच में पहले ही डाल दिया है। और 1/2 teaspoon इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी है, इससे बहुत अच्छा और मज़े का फ्लेवर आता है। ये तो मैं लाजमी अपने हर खाने में ऐड करती हूँ बिकॉज मुझे ये बहुत पसंद है। एंड कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने इसको अगेन जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप चाहें तो मैरिनेशन के दौरान 1 से 2 tablespoons दही भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं वो भी नहीं ऐड कर रही हूँ, बस बहुत सिंपल सा ये बना रही हूँ। यहाँ पे दूसरी साइड पे मेरा भाई बैंगन के पकोड़े बना रहा है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था रेस्ट के लिए, ताकि मसाले जो हैं अच्छे से इस चिकन के अंदर जो है अब्सॉर्ब हो सकें। उसके बाद मैंने सारी सीखों पर इस तरह से लगा के ऑलरेडी सारा कुछ तैयार कर लिया है, ताकि जब हम जो है बारबेक्यू स्टार्ट करें तो सारे बैठ के इंजॉय करें, साथ में बातें करें और जो है ये बारबेक्यू हमारा रेडी होता रहे। तो यहाँ पे जो आग है ये भाई ने जला दी है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कोयले जो हैं इनको आग लग चुकी है और ये जल रहे हैं। जब ये अच्छे से जल जाएंगे, कोयले बन जाएंगे, तो फिर इसके ऊपर हम जो है सीखे रखेंगे ताकि वो अच्छे से कुक हो सके। अगर इस तरह से आग के ऊपर आप जो है वो फौरन से सीखे रख देंगे तो इस तरह से एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा धुआं उनमें चला जाएगा और ये है कि वो ऊपर ऊपर से जल जाएगा, चिकन अंदर से पकेगा नहीं है। इसलिए जब ये अच्छे से कोयले बन गए हैं तो इसके ऊपर हमने सारी सीखें जो है सेट कर दी हैं। अब पास बैठ के इनको थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं ताकि ये जले नहीं, बिकॉज ये बहुत जल्दी जो है जल भी जाते हैं क्योंकि कोयले बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो चुके हुए हैं, फुल रेडी हैं अब। तो आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा हमने देखा नहीं है तो एक साइड से थोड़ा सा जल भी गए हैं। बस ये ध्यान रखना है पास में बैठ के बातें ना करते रहें, बस इनको साथ में देखते रहें ताकि इनको खाना भी है, तो इसको हलाते रहें थोड़ा थोड़ा। इसी स्टेज पे अगर चाहें तो आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाया था बिकॉज़ हमारे घर में जो है ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। सो अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह से आप जो है इस स्टेज पे आप लगा सकते हैं, बिकॉज़ ये हाफ हाफ कुक हो चुके हैं दोनों साइडों से, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर इस तरह का वेदर हो, बारिश हो रही हो या कोई सा भी थोड़ा ठंडा मौसम हुआ हो, तो लाजमी इस तरह से घर में ट्राई करें, बिकॉज हम लोग डेली, बिकॉज चिकन तो हर घर में पकता ही है, रेगुलर बेसिस पे नहीं तो वीकेंड पे या कभी ना कभी पकता ही रहता है। तो इस तरह से आप जो है कभी कभी चेंज कर सकते हैं, इससे मूड अच्छा हो जाता है और सब भी इंजॉय भी कर लेते हैं। तो भाई जो है इसके ऊपर साथ साथ नान रख के जो है वो गर्म कर रहा है, क्योंकि मैं ओवन में गर्म करके नहीं नान लेके आई थी, तो इसलिए वो कह रहा है इसके ऊपर ही साथ साथ रख के जो गर्म कर लेते हैं।
सारा कुछ प्रिपेयर हो चुका है। सैलड मैंने बना लिया था और आप देख सकते हैं कि प्लेटर मैंने कितना खूबसूरत सजा लिया है। अब ये जी हमारा बारबेक्यू रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई भी करना और खूब सारा इन्जॉय करना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।